आई एम प्राउड ऑफ द डे। आज का दिन हमारी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन की दास्तान बयां करना भी चाहे तो हम बयां नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पल मालिक ज़िंदगी में इस तरह लाता है जिसका समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। मालिक चलता है चाल बहुत सोच समझकर और तरह तरह की नसीहतों द्वारा इस प्रकार अपने बच्चों को समझाता है कि वह सारी उम्र मालिक के इंसाफ को अपना सरोताज मानने लगता है। मालिक हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें ज़िंदगी में एक ऐसी ठोकस अवश्य देता है जिस ठोकस से या तो इंसान बिखर जाता है या संवर जाता है। हमारे भी जीवन में इस तरह के घनघोर काले बादल आए हैं, पर मालिक ने उन काले बादलों को कब बारिश की बूंदों में बहाकर, बादलों को स्वच्छ सफ़ेद चादर उड़ाकर कब हमारे जीवन में खुशियां भरी हमें मालूम भी नहीं चला। कब क्या हुआ, कोई आह तक ना आने दी हमारे जीवन में, पर हाँ वह दिन जिस पल हमें अपने जीवन जीने की नसीहत मिली, जीवन जीते कैसे हैं, क्या मकसद है ज़िंदगी का, और हमने उस दिन से ही सही ढंग से जीना सीख लिया जिस तरह उन्होंने सिखाया। उस दिन को हम कभी भूल नहीं पाएंगे और भूलना भी नहीं चाहेंगे जब हमारे मालिक ने हमें पल पल श्वास श्वास हमारा साथ दिया और साथ चलकर हमें उस असहलियत से उजागर करवाया जिसका कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे हम हैं कि हर्ण मांस के पुतलों पर विश्वास करते हैं। मालिक तो सोच से उजागर करते हैं, वो हमारे सच्चे हम सफ़र हैं, हम राही हैं, सब जानते हैं, तोड़ तक साथ निभाने वाले हैं। तभी वह अपने बच्चों को उफ आह भी नहीं आने देते, एहसास भी नहीं होने देते, और गोद में बैठाकर सीने से लगा ऐसे सत्वाधा देते हैं कि दुख के क्षण का आभास भी नहीं होता है। जब जब कभी मन का रुख बदल अतीत की ओर जाता है तो वह आकर हमें वर्तमान और जीने का एहसास दिलाता है। वह कभी भी याद नहीं दिलवाता है, वह हमेशा हमें इस कदर कर्मों में व्यस्त रखता है कि परछाई की अभाव ही नहीं पड़ने देता है। हम शुक्रगुजार हैं अपने बाबा जी के जो हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, वह कभी दूर नहीं जाने देते, सहारा बने हमारे साथ हर घड़ी हाजिर नाजिर रहते हैं। हम दूर हो जाते हैं पर हमारा मालिक सदा हमारी रक्षा करता है। वह हमारे साथ कुछ गलत होने की आशंका का आभास पहले ही करवा देता है और हम गलत राह छोड़ सही मार्ग इख्तियार कर लेते हैं। शुक्र है दात्या, तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमें ऐसे ही बनाए हरदम रखना, हर पल रखना जैसे इस कदर रख रहा है। तो मुझे उम्मीद होगा सारी संगतों का जो अभी फिलहाल बाबा जी से सभी को दर्शन मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रखें बाबा जी हर संगत पर और सभी को हमेशा प्यार मिलते रहे। तो ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा जी, और चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो नीचे के लाल बटन दबाकर और बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा पहले वीडियो आप तक पहुँचे।